वेलकम टू भागड़ी फाउंडेशन टुडे वी विल स्टडी इकोनॉमिक्स एनसीआर टी क्लास नाइन्थ चैप्टर फोर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पुअर एट ऑल टाइम्स फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि फूड अवेलेबल हो अफोर्डेबल हो एक्सेसिबल हो सभी गरीब लोगों को सभी टाइप्स के लोगों को द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वनरेबल टू फूड इन सिक्योरिटी वेन एवर दियर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स जब भी फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा जो वनरेबल होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं वो पुअर पीपल होते हैं फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पी डी एस एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स वैन द वैन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन तो जो फूड सिक्योरिटी है डिपेंड करती है पीडीएस पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जिसमें राशनिंग में मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में सभी गरीब लोगों को कुछ मिनिमम फूड दिया जाता है एट एट सम लो कॉस्ट और गवर्नमेंट एक्शन लेती है विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू जब भी फूड सिक्योरिटी थ्रेटर्ड होती है खतरे में पड़ती है वाट इज़ फूड सिक्योरिटी फूड इज़ एन इसेंशल फॉर लिविंग एज एज एयर इज़ फॉर ब्रीदिंग फूड इतना ही ज़रूरी है हमारे लिए जितना कि हवा बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वेर मील्स लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब कुछ ज़्यादा है देन दो टाइम के खाने से फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइ डायमेंशनस तो फूड सिक्योरिटी की ये डायमेंशंस हो सकती है सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फूड का अवेलेबल होना का मतलब है कि फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर इज स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रैनरीज के फूड अवेलेबल हो गमेंट के स्टॉक में भी ग्रैनरी में भी और इम्पोर्ट्स से भी हर तरीके से फूड अवेलेबल हो कंट्री में एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन द रिच ऑफ एवरी पर्सन एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि खाना विद इन रिच हो हमारी पहुंच के अंदर हो और अफोर्डेबिलिटी इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशेंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइट्री नीड्स अफोर्डेबिलिटी का मतलब है हर आदमी के पास परचेसिंग पावर हो खरीदने की शक्ति हो सफिशेंट मात्रा में सेफ और न्यूट्रीशियस फूड अपनी डाइट्री नीड्स को पूरा करने के लिए दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इन अ फूड इज अवेलेबल फॉर आल पर्सनस ऑल पर्सनस हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड देर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड तो फूड सिक्योरिटी हम जब मानेंगे किसी भी कंट्री में जब काफ़ी मात्रा में फूड अवेलेबल हो सभी लोगों के लिए और हर आदमी की कैपेसिटी हो उसको खरीदने की एक्सेप्टेबल क्वालिटी वाली अच्छी क्वालिटी के फूड को और देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस टू फूड और कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए फूड की एक्सेसिबिलिटी में किसी का भी वाई फूड सिक्योरिटी अब फूड सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए द पुरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इन सिक्योर जो पूरेस्ट सोसाइटी है गरीब से भी गरीब तबका तक, है समाज का वो फूड के बारे में इन्सेक्योर हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइल्ड पर्सन अबो द पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो भी फूड इनसेक्योर वैन द कंट्री फेसेज वैन द कंट्री फेसिस ए नेशनल डिजास्टर और कैलोमिटी लाइक अर्थ मतलब के जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं तब जब कोई फूड रिलेट फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि उस टाइम तो फूड इनसिक्योरिटी अमीर लोगों को भी सामना करना पड़ेगा तो इसलिए जो पुअर पीपल हैं वो इस सिचुएशन को ज़्यादा वोर्सली अफेक्टेड होंगे तो जैसे कि अर्थ को एक हो गया ड्रॉड फूड सुनामी वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स कॉजिंग फैमिन एक्सेट्रा तो इस ऐसे टाइम में पूरी कंट्री ही पूरी कंट्री की फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होती है तो ड्यू टू ए नेचुरल कैलेमिटी से ड्रोट प्राकृतिक आपदा के समय में जैसे सूखा पड़ गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज तो फूड ग्रेन का टोटल प्रोडक्शन ही कम हो जाता है तो इट क्रिएट्स ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइस गोज अप और जब शॉर्टेज होती है फूड की तो प्राइस बढ़ जाता है एट द हाई प्राइसिज सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड और हाई प्राइसेस की वजह से कुछ लोग फूड खरीद पाते हैं कुछ लोग नहीं खरीद पाते और जो नहीं खरीद पाते वो गरीब होते हैं तो इफ़ सच कैलेमिटी हैपन्स इन ए वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इट्स स्ट्रेच ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड इट मेक गोज ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम कैलेमिटी प्राकृतिक आपदा लंबे टाइम तक और लंबे बड़े सारे क्षेत्र में होती है तो वो सिचुएशन स्टारवेशन की हो सकती है स्टारवेशन डेथ बाय डेथ विदाउट फूड मतलब भूख से मृत्यु होना इज बाय वाइड स्प्रेड ड्यू टू द स्टारवेशन और फैमिन इसी को बोलते हैं जब वाइड स्प्रेड डेथ होने लगती है भूख की वजह से तो उसे फैमिन बोलते हैं एपिडेमिक्स कोज बाय फोस्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एपिडेमिक महामारी भी फैल सकती है जब हम कंटेमिनेटेड वाटर यूज करते हैं ग, गंदा पानी और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू द वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन और जब बॉडी की रेजिस्टेंस पावर प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है भूख की वजह से कमजोरी से तो एपिडेमिक की तरह महामारी फैल जाती है द मोस्ट डिवास्टेटिंग फैमीन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फैमिन ऑफ बंगाल इन नाइनटीन फोर्टी थ्री सबसे बड़ा खतरनाक जो सूखा पड़ा था फैमीन आया था वो बंगाल में नाइन्टीन फोर्टी थ्री में हुआ था नैचुरल कैलेमिटीज़ प्राकृतिक आपदाएँ एंड पैंडमिक्स और महामारी में आल्सो लीड टू फूड शॉर्टेज इससे भी फूड शॉर्टेज हो सकती है फॉर एग्जाम्पल कोविड नाइन्टीन पैंडमिक्स हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट जैसे कि कोविड नाइन्टीन पैंडमिक ने महामारी ने बहुत ही बुरा प्रभाव डाला था अपॉन द फूड सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज इंपैक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लग गई थी लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे तो और गुड्स एंड सर्विसेज भी खाना भी एक जगह से उधर नहीं जा सकता था फूड आर्टिकल्स देर फोर फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड इन ए कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स इंक्लूडिंग कैलोमिटीज एंड पैंडमिक्स तो फूड सिक्योरिटी का वाइडर मतलब ये है कि फूड सिक्योरिटी कभी भी थ्रेटन ना हो कभी भी स्टॉप ना हो इवन इन द टाइम ऑफ कैलेमिटी हो जाए चाहे कोई पैंडमिक हो तब भी फूड सिक्योरिटी थ्रेटन नहीं होनी चाहिए वाई आर फूड इनसेक्योर हु आर फूड इनसेर कौन है वो लो लोग जो फूड इनसिक्योरिटी को फील करते हैं फेस करते हैं लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशियस इनसे इन इंडिया वोस्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल वैसे तो बहुत बड़ा सेक्शन है इंडिया में जिनको फूड और न्यूट्रिशियस फूड की इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है लेकिन जो वोस्ट अफेक्टेड लोग हैं वो वो लोग हैं जो लैंडलेस लेबरर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है अपनी इन द अर्बन एरियाज़ द फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड एंड कैजुल लेबर मार्केट शहरों में फूड इनसिक्योर फैमिली कौन सी है वो फैमिली है जो कि इल पेड ऑक्यूपेशन में है मतलब बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं है इल पेड है और जो कि कैजुअल लेबर है तो उनको फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है द सोशल कंपोजिशन अलोंग विद द इन एबिलिटी टू बाय फूड आल्सो प्लेज अ रोल इन फूड इन सिक्योरिटी सोशल कंपोजिशन और खाने को ना खरीद पाना भी फूड इन सिक्योरिटी को में रोल प्ले करता है सोशल कंपोजिशन का मतलब कि समाज में कैसे तबके हैं समाज में किसकी इज्जत है कोई किस को लो कास्ट समझा जाता है किसको को हायर कास्ट समझा जाता है तो कास्ट सिस्टम भी प्ले करता है रोल फूड इन सिक्योरिटी के बारे में एस सी एस टीज एंड अदर सेक्शंस ऑफ ओ बी सी लोअर कास्ट अमोंग दैम हु हैव इधर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी आर प्रोन टू फूड सिक्योरिटी जो भी एस सी एस टी पॉपुलेशन है और जो लोअर कास्ट के लोग हैं और जिनके पास लैंड का बेस बहुत ही कम है वो लोग भी या लैंड की प्रोडक्टिविटी मतलब जो लैंड है भी तो उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है वो भी फूड सिक्योरिटी इन सिक्योरिटी के लिए प्रोन है मतलब उनको भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क आर आल्सो अमोंग द मोस्ट फूड इनसेर पीपल वो लोग जो कि नेचुरल डिजास्टर की, की वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ता है इन सर्च ऑफ वर्क वो भी लोग फूड इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं ए हाई इंसिडेंस ऑफ मेल न्यूट्रीशन प्रिवेल्स अमोंग वुमेन और जो ज़्यादातर घटना होती है मैल न्यूट्रीशन की वो वूमेंस के साथ होती है क्योंकि वुमन को वैसे भी न्यूट्रीशन की ज़्यादा जरूरत होती है द फूड इनसिक्योर पीपल आर डिस प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स जहाँ फूड इनसिक्योरिटी है वो कहीं एरिया में ज़्यादा है कहीं में कम है तो डिसोपोर्शनेटली लार्ज है इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो कुछ ऐसे बैकवर्ड स्टेट हैं जहाँ पे कि पोवर्टी के इंसीडेंस केसेस ज़्यादा होते हैं ट्राइबल रिमोट एरियाज रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा तो जो ट्राइबल एरिया रिमोट एरिया वहाँ पर तो नेचुरल डिजास्टर भी बहुत होती रहती है इसलिए वहाँ पर फूड इन सिक्योरिटी भी ज़्यादा है हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इन्सिक्योरिटी हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी हंगर भी जो है इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड फूड इनसिक्योरिटी फूड इनसिक्योरिटी का एक इंडिकेशन है हंगर का मतलब सिर्फ गरीबी नहीं इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी हंगर पॉवर्टी को भी लाता है तो इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंट तो इंडिया स्वतंत्रता से ही सिंस इंडिपेंडेंस से ही कोशिश कर रहा है लक्ष्य है कि फूड ग्रेन में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करे मतलब कि किसी दूसरे देश से इम्पोर्ट ना करना पड़े वट एवर द नीड्स ऑफ फूड्स आर इन द कंट्री शुड बी मेट बाय द प्रोडक्शन ऑफ आवर ओन कंट्री ऑफ आवर ओन लैंड तो वो सेल्फ सफिशियंसी होती है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पॉलिसी मेकर्स मेजर्स टू सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन्स तो इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने सब ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कि इंडिया फूड सफिशियंट हो जाए इंडिया अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रैटेजी इन फूड इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन ग्रीन रिवोल्यूशन इसी तरीके में एक इंडिया ने एग्रीकल्चर uh, की स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट किया जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस के प्रोडक्शन में जिससे कि फूड सिक्योरिटी की तरफ इंडिया काफी आगे बढ़ा है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन जब से ग्रीन रिवोल्यूशन आया है इन द नाइनटीन सेवनटीज द कंट्री हैज अवॉइडेड द फैमिन इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वैदर कंडीशन तो कंट्री में कभी भी फैमिन नहीं आया इवन एडवर्स कंडीशन में भी फैमीन जैसी स्थिति इंडिया में नहीं बनी सिंस द स्टार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया है बिकम सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट थर्टी ईयर्स बिकॉज ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो इन ऑल ओवर द कंट्री तो इंडिया सेल्फ सफिशियंट बन गया है क्योंकि लास्ट थर्टी ईयर्स में इंडिया ने वेराइटी ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया है वाट इज बफर स्टोक बफर स्टोक क्या होता है स्टॉक हमें पता ही है किसी भी सामान को इकट्ठा करना बफर स्टॉक गवर्नमेंट के स्टॉक को बोलते हैं फूड ग्रेन के स्टॉक को बोलते हैं जब भी सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है कंट्री में तो गवर्नमेंट क्या है उसको सरप्लस प्रोडक्शन को किसानों से खरीद लेती है और अपने स्टॉक में कर लेती है जब किसी साल में प्रोडक्शन कम होता है तो उस स्टॉक को गवर्नमेंट निकाल के लोगों को सेल कर देती है तो इसी को बफर स्टॉक बोलते हैं ताकि जब सरप्लस प्रोडक्शन हो तो खाना वेस्ट ना हो और जब डेफिशिएंट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कम हो तो उसको स्टॉक को यूज कर लिया जाए तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट प्रोक्योर गवर्नमेंट खरीद लेती है किसको बफर स्टॉक को फूड ग्रेन को मेनली क्या होता है इसमें गेहूं चावल होता है थ्रू द किससे एक डिपार्टमेंट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफ सी ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसानों से एक्सेस फूड को एक्सेस फूड ग्रेन को खरीद परचेज कर लेता है और स्टॉक में रख लेता है द एफ सी आई and वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर a इज production। सरप्लस प्रोडक्शन जिस स्टेट में भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है वहाँ से खरीद लेते हैं द फार्मर्स आर पेड है और फार्मर्स को क्या कीमत दी जाती है एक प्री अनाउंसड प्राइस दिया जाता है मतलब खेती स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट प्राइस डि डिटरमाइन कर देती है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये रहेगा इससे ज्यादा हम प्राइस को गिरने नहीं देंगे हम खरीद लेंगे तो एमएसपी डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट पहले ही और अगर फूड सरप्लस होता है तो एमएसपी रेट पर प्राइस इज कार्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो इस मिनिमम प्राइस पे गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेती है द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोविंग सीजन तो गवर्नमेंट इसको हर ईयर में सोविंग सीजन खेती से पहले ही डिक्लेयर कर देते टू तो प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स जिससे किसानों को इंसेंटिव रहे क्या रहे उनको उत्साह रहे प्रोडक्शन करने का फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स द परचेज परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ग्रैनरी और जो परचेज फूड ग्रेन्स हैं उसको वो अपनी ग्रैनरी में सेव कर लेते हैं तो फार्मर को इंसेंटिव होना जरूरी है प्रोडक्शन को बढ़ाने का क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ गया और प्राइस ज़्यादा गिर गया तो किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा जैसे कि एक साल में किसान ने प्रोडक्शन किया 100 क्विंटल राइस का ठीक है और प्राइस था 10, तो उस दिन किसान ने एक किसान ने 1000 कमा लिया 100 इंटू टेन वन दूसरे साल मतलब ये है 2022 की बात अब क्या हुआ 2023 में किसान ने और ज़्यादा मेहनत की और प्रोडक्शन को 100 से 150 फिफ्टी क्विंटल कर दिया 150 मतलब 50 ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया अब मार्केट में डिमांड सिर्फ 100 के की थी ठीक है 100 क्विंटल की थी और किसान ने अपनी मेहनत के ज़रिए प्रोडक्शन को बढ़ा दिया 150 कर दिया अब क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया ज़्यादा हो गया तो सरप्लस बच गया अब सरप्लस बच गया तो वो खराब हुए इससे अच्छा उसका उसे कम कीमत पे लोग खरीदने लगे और किसान को बेचना पड़ा क्योंकि खराब ना हो जाए तो प्राइस दस रुपये से गिर के टू रुपी हो गया ठीक है तो जब टू रुपयी हुआ दस रुपये से दो रुपये तो एक सौ पचास इंटू टू कितना हो गया थ्री हंड्रेड तो जब किसान ने कम मेहनत की तो उसे एक हजार रुपये मिला और जब किसान ने ज़्यादा मेहनत की तो सिर्फ उसे तीन सौ रुपये मिला उसको सात सौ रुपये का लॉस हो गया किसान को इसलिए प्रोडक्शन किसान क्यों बढ़ाएगा किसान प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ही नहीं तो गवर्नमेंट ने इसके लिए तरीका निकाला एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने कहा अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा देते हो तो एक मिनिमम प्राइस रखेंगे हम उससे नीचे आपका जो ये प्राइस है उसको हम नहीं गिरने देंगे तो गवर्नमेंट ने जैसे कह दिया कि अगर आप प्रोडक्शन करते हो पिछली बार आपका दस रुपये प्राइस था अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम आपका एम एस पी सेवन रुपये फिक्स कर देंगे इससे नीचे नहीं गिरेगा इससे नीचे अगर गिरता है तो आप अपना सारा प्रोडक्शन हमें बेच देना तो किसान ने मेहनत की वन फिफ्टी का प्रोडक्शन हुआ था तो प्राइस दो रुपये ना होके मार्केट में तो दो रुपये है गवर्नमेंट ने कहा दो रुपये पे नहीं बेचो आप हमें बेच दो सेवन रुपीज पे ठीक है सेवन रुपीज पे तो गवर्नमेंट को बेच दिया तो सात रुपये पे तो कितना हुआ एक हजार पचास रुपये तो किसान ने सात रुपये के हिसाब से बेचा तो एक हजार पचास रुपये किसान को फिर भी पचास रुपये या ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पाँच सौ रुपए का फायदा हो जाएगा या उसको बढ़ के ही पैसा मिलेगा उसको लॉस नहीं होगा तो इसलिए एमएसपी जरूरी होता है तो दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज अब ये जो खरीद के गवर्नमेंट ने रखा है ये कहाँ बटेगा कहीं ऐसी भी जगह होगी जहाँ प्रोडक्शन कम हुआ है डेफिसिट एरिया बोलते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट इसको बांट देगी पीडीएस के थ्रू कम रेट पे एंड अमोंग द पुरर स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी कहाँ सोसाइटी के पुअर सेक्शन में एट द प्राइस लोअर दैन द मार्केट प्राइस ऑल्सो एज ईशू प्राइज ईशू प्राइस भेज देगी अगर मार्केट में आठ रुपये चल रहा होगा तो छः रुपये पर पी डी एस में बांट देगी सरकार दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड तो इससे फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी ड्यूरिंग एडवर्स वैदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलेमिटी वाईज द पी डी एस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों बना हुआ है इसलिए बना हुआ है क्योंकि कई बार गरीब लोग दस रुपये पे अनाज नहीं खरीद सकते व्हीट नहीं खरीद सकते तो गवर्नमेंट क्या करती है पी डी एस में मतलब सरकारी दुकान पर उसका प्राइस पाँच रुपये रख देती है तो पाँच रुपये के हिसाब से अब पाँच रुपये जब कम कीमत हो गए सब ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा अगर गवर्नमेंट देगी नहीं हर फैमिली को सिर्फ दस किलो देगी या बारह किलो देगी फिक्स कर देगी आइटम इसको बोलते हैं राशनिंग तो पाँच किलो दस किलो लेगा बाद पचास रुपये का मिल जाएगा ठीक है कोई बोलेगा मुझे बीस किलो चाहिए तो उसको गवर्नमेंट नहीं देगी क्योंकि सबको बांटना है छोटा छोटा दस 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 दस, दस किलो हर फैमिली को बांटना है इसलिए इतना ही मिलेगा क्योंकि ये प्राइस रेट जैसे कि मदर डेयरी में जो प्याज की कीमत है उसको कम करके बेचते हैं पच्चीस रुपये मार्केट में अगर पचास होगा तो मदर डेयरी में पच्चीस रुपये किलो प्याज मिलेगी लेकिन वो सिर्फ पाँच किलो ही देते हैं ज़्यादा नहीं देते इसको बोलते हैं पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब सारी पब्लिक को थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा बांट दो कम कीमत पे यही कॉन्सेप्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाने का द फूड प्रक्योर्ड बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन की शॉप होती है जिसको पी डी सी बोलते हैं गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ना शॉप्स शॉप द दुरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गरीब लोगों को उनका आ, 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 राशन कार्ड बनता है ठीक है गरीबी रेखा से नीचे वालों का बिलो पॉवर्टी लाइन बी पी एल का कार्ड बनता है उन्हीं को ये कम कीमत पर राशन मिलता है एबो पॉवर्टी लाइन वालों को नहीं मिलता या मिलता है तो थोड़ा हायर प्राइस पर मिलता है तो दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप्स आर नाउ प्रजेंट इन द मोस्ट लोकेलिटीज़ तो ज़्यादातर लोकेलिटी में अब राशन शॉप खुली हुई है फेयर प्राइस शॉप क्या होती है कीप स्टॉक ऑफ ए फूड ग्रेन शुगर एंड कैरोसिन फॉर कुकिंग दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट ए प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस से कम कीमत पर जो प्राइस गवर्नमेंट रखती है उसको फेयर प्राइज शॉप बोलते हैं एनी फैमिली विद ए राशन कार्ड कैन बाय ए स्ट्यूपुलेटेड अमाउंट स्ट्यूपुलेटेड माने फिक्स अमाउंट जैसे कि पाँच लीटर कैरोसिन पाँच किलोग्राम शुगर इतना ही मिल सकता है छः किलो नहीं मिलेगी शुगर स्ट्यूपुलेटेड प्राइस स्ट्यूपुलेटेड क्वान्टिटी पे ठीक है आइटम और एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाय राशन शॉप से हर महीने ले सकते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द नाइनटीन फोर्टीज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फैमिल जब हुआ था तो जब राशनिंग की कॉन्सेप्ट ये आई थी उन्नीस सौ चालीस में उसमें क्या था कि थोड़ा थोड़ा सामान हर फैमिली को कम कीमत पर बेच दो ऐसा ना हो कोई अमीर आदमी सारा ही सामान खरीद ले ठीक है और फैमिली भूखी रह जाए तो इसलिए राशनिंग राशनिंग माने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल क्वान्टिटी टू ऑल द पीपल ठीक है हु आर needed of these uh, food grain items the rationing system was revived in the wake of an acute shortage during the 1960s mein is rationing system ko revive kiya gaya prior to the green revolution se pehle the national food security act 2013 ये जो act होता है ये parliament pass करती है उसमें कुछ बातें होती है जब parliament pass कर देती है तो वो कानून बन जाता है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि 2013 में पास हुआ था यह क्या कहता है दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एनेबल्स पीपल टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी मतलब सम्मानजनक जिंदगी जीना है सबको खाने के लिए समान मिलेगा अंडर दिस एक्ट सेवेंटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड फिफ्टी ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन एलिजिबल हैल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी तो इस एक्ट के अनुसार रूरल पीपल 75 परसेंट और अर्बन पीपल 50 परसेंट को ये उनको एलिजिबल माना गया है फूड सिक्योरिटी के लिए मतलब कम कीमत पर उनको राशन मिलेगा करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का करंट स्टेटस क्या है आज के टाइम में पी सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है तो पी डी एस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड्स द इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी तो फूड सिक्योरिटी में सबसे अच्छा कदम है पी द कवरेज ऑफ पी डी एस वॉज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर पी डी एस जो है वो यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर पी डी एस सिस्टम में फर्दर इन टू थाउजेंड टू स्पेशल स्कीम्स वॉर लॉन्च दो हजार में नई स्कीम भी लॉन्च की गई एक अंत्योदया अन्ना योजना ए ए वाई बोलते हैं और एक अन्नपूर्णा स्कीम विद स्पेशल टारगेट ग्रुप इसके स्पेशल इस टारगेट ग्रुप मतलब जो गरीबों में भी ज़्यादा गरीब है उनको टारगेटेड स्कीम चलाई गई द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर गरीबों में सबसे गरीब द इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स रिस्पेक्टिवली द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम्स वर लिंक्ड विद द नेटवर्क ऑफ पी और इन स्कीमों को पी सिस्टम से लिंक कर दिया गया ये पहले उनको मिलेगा और और ज़्यादा कम कीमत पे मिलेगा पी डी एस हेज़ प्रूव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द इयर्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइसिस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइसिस तो पी डी एस जो है वो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट यंत्र है प्राइस को स्टेब्लिश करने का और फूड को अवेलेबल कराने का अफोर्डेबल प्राइसिस पे इट हैज बिन इंस्ट्रूमेंटल इन अवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमिन को भी इसने रोका है पीडीएस सिस्टम बाय सपोर्टिंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री टू द दावेवर द पी डी एस हैज फेस्ड सीवियर क्रिटिसज्म पीडीएस की कुछ आलोचना भी हुई है क्रिटिसिज्म भी हुआ ऑन द सेवरल ग्राउंड क्या ग्राउंड है ऑफ हैंगट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतना सारा ग्रेनरी है फिर भी हंगर से डेथ हो रही है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गो डाउंस आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स विद सम रोटिंग अवे रोटिंग अवे सड़ भी रहा है एंड सम बींग इटन बाय रैट्स और उसको चूहे खा रहे हैं लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोगों को बांटती नहीं है वो तो ऐसी ऐसी कुछ कंप्लेंट्स आई है जो कि अखबारों में आई है इन 2014 थाउजेंड द स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस विद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज 65.3 मिलियन टन्स, विच वाज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स। मतलब 2014 का हम केस देखें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतना अनाज था 65.3 मिलियन टन था जो कि मच मोर था जो कि मिनिमम स्टॉक जो होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा था तो ये गलत चीज है लोगों को बांटना चाहिए तो हाउ हावअ दीज रिमेन कंसिस्टेंटली हायर देन द बफर नॉम्स बफर नॉम्स जो है एक नॉम्स होता है भाई इतना ही स्टॉक रखना है इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना द सिचुएशन इम्प्रूव विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड ग्रेन्स अंडर द डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स स्टार्ट की जैसे कि फूड फॉर वर्क भाई काम करो उसके बदले तुम्हें फूड मिलेगा उसमें बांट दी अंत्योदय न योजना चली उसमें बांट दिया तो देअर इज अ जनरल कंसेंसस तो एक आम सहमति है दैट हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन इज वेरी अनडिजायरेबल के बफर स्टॉक को बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना हाईली अनडिज़ायरेबल है एंड कैन बी वेस्टफुल और वो खराब हो जाता है फिर चूहे खा जाते हैं द शॉर्टेज ऑफ मैसी फूड स्टॉक्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई कैरिंग कॉस्ट और दूसरी बात स्टॉक में रखना भी तो एक कॉस्ट पड़ती है ठीक है इन एडिशन टू द वेस्टेज एंड डिट्रोशन इन फूड ग्रेन क्वालिटी भी खराब होती सड़ जाता नाज द इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एट इन्हें एम एस पी इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर एग्जाइटेड बाय द लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट सचैसे पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश ये स्टेट जो हैं यहाँ के किसान बहुत मजबूत है यही इस्टेट की प्रोडक्शन भी, भी ज़्यादा करते हैं तो हमेशा ये ये प्राइस प्र... ये प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा रखो ठीक है साथ ही रखो नौ रखो दस रखो ऐसा बनाते हैं ठीक है ताकि इन स्टेट के फार्मर्स को फायदा हो जाए लेकिन उससे गवर्नमेंट को भी लेस हो सकता है द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज़ आल्सो लेड टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी आई है कि चावल प्रोडक्शन करने में वाटर बहुत यूटिलाइज होता है तो इससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है एंड फॉल इन द वाटर लेवल फैटरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन दीज स्टेट्स तो वाटर लेवल खर, लेवल कम हो जाता है सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर की वो खतरे में पड़ती है इस वजह से तो पीडीएस डीलर्स आर समटाइम्स फाउंड रिजोर्टिंग टू मैल प्रैक्टिस जो पीडीएस डीलर है कई बार ये भी कंप्लेन आई कि वो मैल प्रैक्टिस करते हैं लोगों को अनाज ना बेच के प्राइवेट में ब्लैक में किसी को बेच देते हैं दुकानदार को लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेस टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन ओपन मार्केट में बेच देते हैं लोगों से बचा देते सेलिंग पुअर क्वालिटी Grains at ration shop, irregular opening of the shops. It is common to find that ration shop regularly have unsold stocks of poor quality grains. This has proved to be a big problem when ration shops are unable to sell a massive stock of food grains piles with the Food, food Corporation of India. Role of cooperative food security The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts of the country. The cooperative society set up a shop set to sell low priced goods and to poor people. Chapter complete.